मल्टीप्लेक्स में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नहीं चला जादू। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे पहला सप्ताह में पटना के मल्टीप्लेक्स में लगी थी। और बात कीजिए मल्टीप्लेक्स में पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे कैसा चली, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ उतना अच्छा खासा फिल्म नहीं चल पाई मल्टीप्लेक्स में। सिर्फ 22 तारीख वाला शो हाउसफुल गया था क्योंकि पवन सिंह पटना आने वाले थे इसी वजह से। वहीं बात कीजिए खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष 2 के बारे में, तो खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष 2 दूसरा सप्ताह में 3 मल्टीप्लेक्स में लगी है और तीनों मल्टीप्लेक्स में खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष 2 हाउसफुल नहीं गई है। और बाकी सब थिएटरों की बात की जाए तो बाकी सब थिएटर में बहुत ही अच्छा खासा दोनों फिल्में चली, हाउसफुल चली, क्योंकि दशहरा का चारों तरफ छुट्टी था, लोग सिनेमाघर तक पहुँच रहे थे। और अब की बात की जाए तो सिर्फ 40 को 45 को 50 को इतना लोग जा रहे हैं 100 में देखने के लिए, यानी दूसरा सप्ताह में उतना अच्छा खासा रिस्पांस फिल्म को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पवन सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी है कि पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे को अगले सप्ताह से बड़े बड़े थिएटरों में लगाया जाएगा। पटना बीड़ा में भी लगने वाली है और आनंद मंदिर थिएटर में भी लगने वाली है पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे। और इसकी जानकारी दिए हैं बीड़ा पटना सिनेमाघर के मालिक। और सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर भी लग चुका है जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था, आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।